आज मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही हेल्दी सैलेड रेसिपी. उसका नाम है हाउस बीन सैलेड विद बीटरूट डिप. सो बेसिकली ये मैंने खुद अपने रेसिपी को अपने सोच समझ के मैंने एक दो बार डिश बना के मैंने ट्राई किया एंड इट वॉज वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा. सो आई वॉज होपिंग कि ये लाइव शो में अपने जब अपने सारे जितने भी गेस्ट हैं उन्हें दिखाऊंगा तो वो आई गेस वो लोग ये अप्रिशिएट करेंगे एंड दे विल ट्राई बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैरिकॉट बीन्स यूज कर रहा हूँ. ये हमारे मेन डिश है. इसे वाइट बीन्स भी कहते हैं. सेकेंडली फॉर वेजिटेबल्स आई एम यूजिंग मैं यूज कर रहा हूँ फ्रेंच बीन्स. दिस इज चॉप्ड अनियन. दिस इज रोमेन लेट्यूस. अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप ये नॉर्मल कैबेज भी यूज कर सकते हैं एंड या नॉर्मल आइसबर्ग लेट्यूस जो आजकल हर जगह अवेलेबल है आप यू यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस चेरी टमेटो. दीज आर स्मॉल टमेटो तो एंड दिस ऑल्सो यू कैन गेट ईजली. दिस इज जुकीनी. आई हैव कट इट रफली स्लाइस इन अ डाइस मैनर एंड दिस इज बेल पेपर रेड बेल पेपर एंड दिस इज आई एम यूजिंग एज एस्पैरगस. आप ये ऑप्शनल आप ये यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं. एंड आई एम यूजिंग दिस रॉकेट लीव्स जो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है. And I'm using this basil leaves. And this I'm using for my garnish. Secondly, I'm using this for my tangines, which is peri peri powder. ये optional है, ये आप use कर सकते हैं नहीं भी. This is buffalo mozzarella fresh cheese. आप इसमें normal parmesan या normal processed cheese भी use कर सकते हैं. This I'm using a bit of extra virgin olive oil. काफ़ी healthy होता है. You, I'm using honey, this is lemon, salt and black pepper. And this I have prepared, already prepared a mayo beetroot dip. So, मैं आपको इसका रेसिपी बता दूंगा ये कैसे बनता है. So, first of all, मैं इसमें bell peppers डाल रहा हूँ. Then I'm adding some zucchini. मैं एक या दो चेरी टमेटो डालूंगा इन दिस. देन आफ्टर दैट मैं इसमें फ्रेंच बीन्स डालूंगा, सम लेट्यूस, दो से तीन मैं छोटे छोटे ये एस्पैरगस मैंने इसे कट करके इसे ब्लांच किया है फॉर 30 सेकेंड्स. So, ताकि ये कच्चा टेस्ट ना दे सैलेड में. एस्पारेगस के बाद मैंने इसमें रोमेन लेट्यूस डाले हैं थोड़े से एंड चेरी टमेटो मैंने डाला है. ये स्लाइस चेरी टमेटो है, इसे मैंने कट करके डाला है. एंड नाउ आई विल बी एडिंग थोड़े से बेजल लीव्स. ये फ्रेश बेसिल लीव्स मैं डाल रहा हूँ इसमें. वाइट बीन्स डाल रहा हूँ, हैरिकॉट बीन्स. ओवरनाइट सोक करके 8 hours इसे मैंने बॉईल किया है विद सम सॉल्ट इन इट थोड़े से. उसके बाद मैं थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर डाल रहा हूँ, एकदम थोड़ा सा, नॉट टू मच. आई एम यूजिंग बिट ऑफ एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल. ये आप स्किप भी कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट मोर हेल्दी. बट इससे क्या होगा कि सैलेड में ड्रेसिंग भी देंगे और like it will taste better. Now I'm adding a bit of honey. I'm adding some lemon juice, some salt, and a bit of pepper, black pepper. उसके बाद मैं fresh buffalo mozzarella cheese डालूँगा. ये बफेलो चीज इज वेरी रिच इन कैल्शियम एंड इट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर द बोन्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये फ्रेशली मेड है, सो आप इसको मैक्सिमम 1 से 2 डेज ही स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाए। सो आई मिक्स ऑल ऑफ दीज, सैलेड इज रेडी। सो इसके बाद मैं इसे प्लेटिंग करूंगा। सो आई एम यूजिंग दिस प्लेट फॉर माई प्लेटिंग। I have this freshly cut watermelon slice, so I'll be using this as a base. So ये क्या करेगा, ये salad में एक sweet and crunchy taste भी देगा। So ये beetroot dip है, so मैंने इसे prepare किया है, like firstly मैंने beetroot को roughly cut किया था, उसके बाद इसमें मैंने इसको मैंने boil किया है and इसको मैंने फिर puree किया है। प्योरे करने के बाद इसको स्ट्रेन करके मैं इसे वेगन मेयो या आप नॉर्मल मेयो में भी इसको आप मिक्स करके ये आपका बीटरूट डिप रेडी हो जाएगा। सो नाउ आई बी यूजिंग दिस वाटरमेलन एज अ बेस। सो सैलेड को मैं मैंने इसे नाम इसीलिए दिया है हाउस बीन सैलेड। आप इसे आपके घर पे आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट है आप उससे ये बना सकते हैं। बेसिक अगर वेजिटेबल्स हो जाए फॉर एग्जांपल सैलेड स्पिनच या नॉर्मल टमेटो हो तो आप उसे छोटे छोटे रफली साइज कट करके, फ्रेंच बीन्स हो उसे कट करके उसे ब्लांच करके आप इसे ये बना सकते हैं। एंड आपके पास अगर घर पे कोई भी टाइप के जैसे ड्रेसिंग्स हो फॉर एग्जांपल हनी, या आपके पास अगर कोकोनट ऑयल हो तो वो भी एक बहुत अच्छी लाइक आपके डिश को प्रेजेंट करेंगे। एंड दैट मच। You can even use rajma, like red kidney beans in this, or even you can use chola. So, इसके बाद मैं इसके टॉप पे थोड़े से rocket leaves डालूंगा, which is arugula. And then I have some micro peas. I'll use cherry tomato as my presentation. I have this zucchini rolls. इसको मैंने पतला पतला स्लाइस करके इसे खाली रोल किया है। बिट ऑफ ब्लैक पेपर मैं इस पे स्प्रिंकल कर रहा हूं। मैं एक थोड़ा सा फ्रेश मोजरेला चीज भी इसमें डालूंगा। सो हाउस बीन सैलेड विद बीटरूट डिप इज रेडी। आप इसे कभी भी आप इसे खा सकते हैं एंड वाकई में बहुत न्यूट्रिशियस है एंड बहुत हेल्दी है। लाइव सेशन करने के लिए एंड अपना रेसिपी दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। हेल्थ फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ FamHealth.in पर, और हमारी YouTube पेज MyFamHealth पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।